एक डिरेक्टिव की डेथ के बाद उसका फ्रेंड उसकी डेथ को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक टाउन में आया, जहाँ पर एक बहुत ही अजीब फैमिली थी जिसमें रिलेशनशिप के बीच में कोई भी लिमिट नहीं थी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इनोसेंट लाइज ये 1995 की एक हॉलीवुड मिस्ट्री मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी की मिस्ट्री इसे बहुत ही अच्छा वॉच बनाती है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और एक डिरेक्टिव को हम सी के पास देखते हैं। उसने अपने आप को गोली मारकर सुसाइड कर ली। हमारी इस मूवी की स्टोरी 1938 की है। इस डिरेक्टिव का एक जूनियर था जिसका नाम है एलन। ये इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पर पहुंच जाता है। उस डिरेक्टिव को एलन अपने फादर की तरह समझता था, इस वजह से उसे बहुत बुरा लगा। एलन को अभी अभी डिवोर्स हुआ है, तो अपनी बेटी को भी अपने साथ वो लेकर आता है। ये इंसिडेंट फ्रांस में हुआ था, तो उसे एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। एक लड़की थी जिसका नाम था सोलांगे। सोलांगे से एलन को पता चला कि वो डिरेक्टिव एक केस पर काम कर रहा था। उस डिरेक्टिव का घर देखने के बाद वहां पर एक लेडी की फोटो उसे दिखी। उसी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसके घर पर वो पहुंच जाता है। उस लेडी का नाम था हेलेना। वो हेलेना से कहता है कि उसके घर में सब जगह तुम्हारी फोटो थी। हेलेना ने कहा कि मेरे हस्बैंड के गुजर जाने के बाद वही मुझे सहारा देने के लिए था, हम दोनों में अफेयर हो गया था। हेलेना एलन से कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी फैमिली को इन्वेस्टिगेट कर रहा था? जो इंसिडेंट हुआ था इसमें किसी की भी कोई भी गलती नहीं थी। एक्चुअली हेलेना के बेटे ने अपने ट्विन ब्रदर को एक्सीडेंटली मार दिया था। हेलेना को लगता है कि शायद इसी केस की इन्वेस्टिगेशन वो डिरेक्टिव कर रहा था। हेलेना एलन से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा बेटा मर्डरर नहीं है। इसके बाद ये नीचे आए और हेलेना एलन को अपनी पूरी फैमिली से मिलवा देती है। इसमें उसकी एक बेटी है जिसका नाम है सीलिया। सीलिया का एक फियांसे भी है। हेलेना का बेटा जो सबको लगता है कि मर्डरर है, उसका नाम है जेरेमी। जेरेमी की एक वाइफ है जिसका नाम है मॉड। जेरेमी अभी अभी घर पर आया, सीलिया उसे मिलती है, पर उसके हाथ में कुछ था जो छुपा रही थी। एक्चुअल में जेरेमी को सीलिया के मैरिज के बारे में पता नहीं था। उसकी डेट फिक्स हो चुकी थी, ये इस कागज पर लिखी हुई थी। जेरेमी सिलिया से जबरदस्ती ये कागज ले लेता है। ये जो एक दूसरे से बर्ताव करते हैं, ये बहुत ही अनअप्रोप्रिएट था। ये सब देखने के बाद एलन यहाँ से चला गया। उसे लगता है इस फैमिली में कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। सिलिया का और एक फियांसे था जिसके वेडिंग के पहले ही उसकी डेथ हो चुकी थी। ये फियांसे जेरेमी का भी फ्रेंड था। एलन अब जेरेमी पर शक करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम जेरेमी को उसकी वाइफ मॉड के साथ देखते हैं। मॉड जेरेमी से अब डिवोर्स मांग रही थी। जेरेमी ने सिर्फ अपनी मदर को जेलस फील कराने के लिए मॉड से शादी की हुई थी। इन रियलिटी एक अलग कंट्री से मॉड एक प्रोस्टिट्यूट थी, वो नाजी भी थी, और इस वजह से जेरेमी की मदर उसे हेट करती थी। अब 3 साल गुजर चुके हैं, तो मॉड चाहती है कि जेरेमी उसे डिवोर्स दे दे, और इसकी प्रोसेस भी वो करने वाले है। नेक्स्ट सीन में जेरेमी और सिलिया के फियांसे के बीच में मैच चल रही थी। जेरेमी बाथरूम गया तो उसे क्वेश्चन करने के लिए एलन उसके पास पहुंचता है। इन दोनों पर सिलिया नजर रख रही थी। एलन ने जेरेमी से पूछा, सिलिया का एक्स फियांसे, जब उसकी डेथ हुई थी तो तुम भी यही थे? जेरेमी ने कहा, मुझसे सवाल पुलिस ने बहुत बार पूछे, प्लीज मुझे हरास करना बंद कर दो। इसके बाद एलन सिलिया के पास आया। वो कहता है, डिरेक्टिव के डेथ के पहले तुम उसे मिलने के लिए गई हुई थी, इसके बारे में हमें डिस्कस करना पड़ेगा। एलन ने अपना एड्रेस उसे दे दिया। एलन रात में डायरेक्टली सिलिया के घर में छुप कर पहुंच गया था। वो देखता है कि मिडनाइट में सिलिया और जेरेमी एक दूसरे को चॉकलेट खिला रहे थे। इनके मुंह पर चॉकलेट लगा था, तो एक दूसरे को किस भी करते। ये देखकर वो शॉक था। एलन ने छुपके से घर में सिलिया को पकड़ लिया। वो कहता है, तुम उसे मिलने के लिए क्यों गई थी? सिलिया ने कहा कि हमारी मीटिंग फिक्स हुई थी, पर वो कभी पहुंचा ही नहीं। एलन पूछता है कि कुछ सालों पहले तुम्हारे फियांसे की डेथ हुई थी, या इसके पीछे जेरेमी था? तुम डायरेक्ट उसे मिलने के लिए क्यों गई थी? सिलिया ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो डायरेक्टली मेरी फैमिली को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, तो उसके बारे में मुझे पूछना था। ये सारी बातें ऊपर से जेरेमी सुन रहा था। एलन कहता है कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो तुम मुझे रजिस्टर करो, या तुम मुझे केस में हेल्प कर सकते हो। सिलिया ने फिर एलन को उसके फियांसे की कार दिखाई। एलन को सिलिया की फियांसे की कार देखनी थी। ये देखने के बाद भी उसे कुछ भी एविडेंस नहीं मिलता। एलन यहाँ सिर्फ 1-2 दिनों के लिए आया हुआ था। अगर उसे कुछ भी एविडेंस नहीं मिलता तो यहाँ पर वो स्टे नहीं कर सकता। उसका ऑफिसर आकर उसे यही बात बताता है कि उसे उस फैमिली के अगेंस्ट कोई भी एविडेंस नहीं मिला, तो इस वजह से अब वो यहाँ स्टे नहीं कर सकता। एलन यहाँ से जा रहा था तो उसकी ट्रांसलेटर रोने लग जाती है। उसे लगता है कि पूरी जिंदगी इस टाउन में ही वो स्टक रहेगी। वो चाहती थी कि एलन उसे अपने साथ लेकर जाए। एलन उसे अभी अभी मिला तो ये सारी चीज़ें वो नहीं कर सकता। एलन ये नोटिस करता है और उसे सहारा देता है। नेक्स्ट सीन में सिलिया की पूरी फैमिली डिनर कर रही थी। एलेना मॉड से पूछती है कि तुम्हारी फैमिली कहाँ है, शायद वो हमें ज्वाइन कर पाते।
हेलेना को पता था कि मॉड के पेरेंट जर्मनी में और इस कंट्री में आने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। वो ये सब बातें बोलकर उसे चिढ़ा रही थी। इस बात पर जेरेमी और उसकी मदर में झगड़ा हो जाता है। रात में सिलिया के पास उसका फियांसे आया। उसे लगता है सिलिया उसे इग्नोर कर रही थी, तो उसे पूछ लेता है कि तुम्हें अभी भी लगता है कि हम दोनों को शादी करनी चाहिए। सिलिया कहती कि ऑफकोर्स करनी चाहिए। वो अश्योर होकर वहां से चला जाता है। रात में सिलिया जब अपना वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही थी तो उसके पास जेरेमी आया। जेरेमी उसे टच करने लग गया। सिलिया ने कहा, अब हम छोटे नहीं रहे, अब ये सब हम नहीं कर सकते। ये दोनों इंटीमेट होने लग गए थे तभी सिलिया का फियांसे वहां पर आया। जेरेमी उसे कहता है, तुम ब्राइड को वेडिंग ड्रेस में नहीं देख सकते। फियांसे जरा सस्पिशियस होकर यहाँ से चला गया। जेरेमी फिर से सिलिया के पास आता है। फिर सिलिया ने कहा कि अब प्लीज मुझे टच मत करो। वो उसके साथ कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती। रात में सिलिया एलन के पास आई। एलन को लगता था कि सिलिया कुछ ना कुछ तो ट्रबल में है, उसे हेल्प के लिए पूछ सकती है। सिलिया कहती कि प्लीज यहाँ पर रुक जाओ। एलन ने कहा, मुझे कुछ ना कुछ तो एविडेंस दो, इसके बाद मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ। सिलिया के पास कोई भी एविडेंस नहीं था, पर वो एलन को किस कर लेती है। एलन की डॉटर ने इन दोनों को देख लिया। इसके बाद एलन सिलिया को घर भेज देता है। रात में जेरेमी और हेलन बात कर रहे थे। हेलन जेरेमी से कहती है कि अब यहाँ से जल्द से जल्द तुम चले जाओ। सिलिया की मैरिज के वक्त वो जेरेमी को यहाँ नहीं चाहती थी। हेलेना ने कहा, सिलिया को तुम्हारी वजह से अलग कंट्री में जाना पड़ा था। तुमने उसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा हार्ड कर दी थी। मैंने हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट किया है, पर अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। अगले दिन एलन जाने के लिए रेडी था, पर तभी उसे न्यूज मिली कि हेलेना का मर्डर हो चुका है। अब इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो यहाँ पर रुक सकता है। हेलेना को वायर से गला घोटकर किसी ने मार दिया था। उसके रूम में जेरेमी को मॉड का पासपोर्ट मिला, जिसमें लिखा हुआ है कि वो ज्यूइश है। उससे बात करने के लिए आता है। मॉड ने एलन से कहा कि मेरी और जेरेमी की शादी सिर्फ एक समझौता था। उसने मेरी जर्मनी से निकलने में हेल्प की थी। मेरे पेरेंट्स भी अब इसी कंट्री में आने वाले हैं। एलन इस बात को जाने देता है। सिलिया ने एलन को पास आकर पूछा, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है कि तुमने मुझे किस किया? एलन कहता है कि मेरे साथ गेम्स खेलना बंद करो। हेलेना के बॉडी को इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन्हें उसके मुंह में टेनिस के रैकेट का थ्रेड मिला। हमने देखा था कि जेरेमी टेनिस की मैच ही खेल रहा था। उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एलन उसके रूम में पहुंच गया। इस रैकेट को ढूंढ लेता है। एलन ने उसे पूछा कि कल रात तुम कहाँ थे? जेरेमी कहता है कि सी के पास एक बार में मैं था। एलन उस पर बिलीव नहीं करता और उसे अरेस्ट कर लेता है। एलन की बेटी ने हेलेना के रूम में एक टॉय देखा जिसे वो बजाने लग गई। ये देखकर सिलिया उसके पास बहुत ही गुस्से में आई। ये टॉय उसने उससे ले लिया। इस वजह से एलन की बेटी बहुत ही अपसेट थी। वो कुछ भी बात नहीं कर रही थी। जेरेमी ने जो भी कहा था कि वो मर्डर के वक्त सी के पास के बार में था, इस बात के बारे में इन्वेस्टिगेट करता है। वहां से उन्हें पता चला कि वो एक्चुअल में वहीं पर था। वो सिलिया के साथ गया हुआ था, पर सिलिया जल्दी से घर पर पहुंच गई थी। एलन कहता है कि मुझे पता है, वो मेरे पास ही आई थी। ये बात सुनने के बाद ट्रांसलेटर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। कहती है, तुमने मुझे बात क्यों नहीं बताई? तुम उसे क्यों कवर करना चाहते हो? एलन कहता है कि उसकी सिचुएशन बहुत ही डेलिकेट है, उसे मेरी प्रोटेक्शन की जरूरत है। अगले दिन एलन ने नोटिस किया कि उसकी बेटी उससे भी बात नहीं करी। उससे पूछने पर उसे पता चला कि सिलिया उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं एलिना की फ्यूनरल पर सब लोग आए हुए थे। वहां पर एलन भी पहुंचा। मर्डर के वक्त जेरेमी बार में था, ये कंफर्म होने के बाद उन्हें जेरेमी को छोड़ना पड़ता है। एलन ने फिर से जेरेमी से बात करनी चाहिए। वो पूछता है, तुम्हारी सिस्टर तुम्हें हेट क्यों करती है? क्या इसके पीछे कुछ रीजन है? जेरेमी इस पर गुस्सा हो गया। वो एलन को जोर से मारता है, कहता है मेरी सिस्टर से दूर रहो। उसने एलन की कंप्लेंट उसके सुपीरियर से कर दी है। एलन जब रिटर्न अपने घर पर जाएगा तो उसकी जॉब जा सकती है। इसके बाद एलन फिर सिलिया के पास आया। वो पूछता है कि तुम मेरी बेटी पर क्यों गुस्सा हुई थी? मुझे कुछ ना कुछ तो बताओ, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। सिलिया ने कहा कि मेरे लिए सब कुछ ओवर हो चुका है। मुझे लगा था कि तुम मुझे हेल्प करोगे, पर ये नहीं हो सकता। घर पर सिलिया और जेरेमी अकेले थे। जेरेमी उसे कहता है, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज हमेशा मेरे साथ ही रहो। उसके साथ अलग कंट्री में जाना चाहता था। सिलिया इसके लिए उसे मना कर देती है। कहती है, हमारे बीच में कुछ भी हो नहीं सकता। सिलिया ने पूछा, क्या तुम मदर को मिस करते हो? जेरेमी को भी बुरा लग रहा था। सिलिया ने फिर से उसे कहा कि प्लीज यहाँ से चले जाओ। जेरेमी इस बात पर गुस्सा हो जाता है। उसने उसका गला पकड़ लिया, कहा कि तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें किसी को भी छीनने नहीं दे सकता। इसके बाद फ्लैशबैक में हमें इन दोनों का बचपन दिखाया जाता है। इसमें जेरेमी के ट्विन ब्रदर को जेरेमी और सिलिया के बारे में पता था। इस पर जेरेमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। एक रात ये दोनों बो एंड एरो खेल रहे थे। जेरेमी का ट्विन ब्रदर ये टारगेट के पास था।
सिलिया अपने टारगेट को हिट करने वाली थी, पर जेरेमी ने उसका एरो उसके ब्रदर को ही मार दिया। इन दोनों ने मिलकर मर्डर किया था। हेलेना को सब कुछ पता था, पर फिर भी जेरेमी को उसने प्रोटेक्ट किया था। रात में सिलिया से मिलने के लिए उसका फियांसे आया। वो कहता है, मेरे होने या ना होने से तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। गुस्से में उससे ब्रेकअप कर वहां से चला गया। रात में सिलिया एलन के पास आती है। एलन उसके साथ इंटीमेट होने लग गया, उसके सारी चीजें पूछ लेता है। एलन ने पूछा कि तुम्हारे एक्स फियांसे की डेथ कैसे हुई थी। सिलिया ने कहा कि उसने मुझे और जेरेमी को एक साथ देखा था। हम उसे देखकर हंस रहे थे, इस वजह से वो बहुत ज्यादा हर्ट हो गया, इसलिए उसने सुसाइड कर ली। एलन पूछता है कि तुमने अपनी मदर को भी मारा था। सिलिया कहती कि उस रात जेरेमी मदर को मारने के लिए गया, पर उसे मार नहीं पा रहा था। सिलिया ने देखा और उसने अपनी मदर को मारने में उसकी हेल्प की। हमेशा से ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए थे। ये कन्फेशन हो जाने के बाद भी एलन सिलिया को लाइक करता था, तो इस वजह से उसने उसे जाने दिया। कहा कि जल्द से जल्द इस कंट्री से चली जाओ। बॉर्डर क्रॉस करते वक्त सिलिया पकड़ी गई। उस पर शक जाने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। सिलिया ने अपने मदर को जिस पिलो से मारा था, इस पिलो का कवर उसने मेड के रूम में छुपा दिया था। वॉशिंग करने के बाद भी अपने मदर का ब्लड उसमें था। सारे सबूत उसके खिलाफ थे। इस बात पर एलन बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। वो कहता है कि अब मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, पर सिलिया ने उसे बहुत रिक्वेस्ट की। अगली रात सबसे छुपा कर वो सिलिया को स्टेशन पर छोड़ देता है। कहता है कि अब तुम यहाँ से न्यूयॉर्क जा सकती हो। ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और सिलिया स्टेशन पर वेट कर रही थी। एलन भी उस पर नजर रखता है, देखता है कि अब वो क्या करेगी। सिलिया ने फिर जेरेमी को कॉल कर दिया। वो कहती है कि मैं गुम हो चुकी हूँ, प्लीज मुझे हेल्प करो। जेरेमी उसके पास पहुंच गया। वो कहती है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। जेरेमी ने कहा कि हमारी लाइफ अब बर्बाद हो चुकी है, पुलिस को हमारे बारे में सब कुछ पता है, ये दोनों कभी भी एक साथ अब रह नहीं सकते। वो यहाँ पर उसे एक रूम में लेकर गया, उसके साथ लास्ट टाइम वो इंटीमेट होने लग जाता है। वो उसे भी गला घोट कर मारने की कोशिश करने लग गया। एलन ये सब देख रहा था। सिलिया की हेल्प करने के लिए जब तक वो वहां पर पहुंचा, तब तक सिलिया ने जेरेमी को मार दिया था। यही पर ये मूवी एंड हो जाती है। सिलिया और जेरेमी ने एक दूसरे के साथ होने के लिए बहुत सारी गलत चीजें की। फाइनली एक दूसरे पर भी ये ट्रस्ट नहीं कर सकते थे। अपने खुद की जान बचाना इन्हें सही लगा। इसी वजह से जेरेमी ने सिलिया को मारने की कोशिश की, पर सिलिया ही उसे मार देती है। अब इसके बाद उसे भी जेल में जाना पड़ेगा। तो आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।